हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पेमेंट एंड ई पेमेंट। दोनों में क्या अंतर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई होप कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगा। बट उससे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ चीजें बता दूं कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाएंगे, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से जब तक कि आपका कोर्स कम्प्लीट नहीं हो जाता, और साथ ही साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आप हमारे पास से परचेज करते हैं विथ 40% डिस्काउंट। आपको करना क्या है उसके लिए, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। इसके बाद आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ जाना है और इस बीकॉम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जब आपको ज्वाइन का बटन जो अपीयर हो रहा है, इसमें आपको क्लिक करके एक छोटा सा पेमेंट है जो कि आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का एक लिंक आपको शो करेगा, जिसको क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको बताई, 24/7 सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, और आपको नोट्स मिलेगा एट वेरी लो कॉस्ट विच इज 40% डिस्काउंट, ठीक है ना। और जब भी आप स्टडी करें हमारे प्लेलिस्ट में आए, ये देखो ये एमकॉम का नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वो है। एमकॉम का नया सिलेबस जो है वो बदल गया है, मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी 2022 से एमकॉम जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया, जैसे आपका बीकॉम चेंज हुआ था एमकॉम भी चेंज हो गया है। तो एमकॉम न्यू के कंटेंट्स यहाँ पे होंगे, एमकॉम पुराने एमकॉम के कंटेंट्स यहाँ पे हैं। उसी तरीके से बीकॉम का जो न्यू कोर्स है जिसमें आपने अभी एनरोलमेंट करवा करके रखा हुआ है, ये आपको यहाँ मिलेगा। बीकॉम ओल्ड आपको यहाँ दिखेगा, 11th 12th नीचे दिखेगा। तो आप वो बीकॉम न्यू के स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जैसे जैसे बुक्स आती जाएंगी मैं वीडियोज और बताता चलूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिखेंगी, एक सारी यहाँ पे ढेर सारी वीडियोज भी आपको दिखेंगे हर एक प्लेलिस्ट में, जिनको अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ हमारा, जो कि है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पेमेंट एंड ई पेमेंट, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के बारे में। तो ये है देखो, यूसेज पर्टिकुलर्स में यूसेज दिया हुआ है, यूसेज हमारा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल पेमेंट में क्या होता है, यूज ट्रेडिशनल मीडियम टू कम्युनिकेट, है ना। जब हम पेमेंट करते हैं तो एक तरीके से यहाँ पे एक कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द टू पार्टीज, जहाँ पे जो है पेमेंट जो है हो जाता है। वेयर एज ई पेमेंट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे यूज एडवांस टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट। यहाँ पे आपको जो पेमेंट करना है, यहाँ जो आप कम्युनिकेशन आपका हो रहा है दूसरी पार्टी के साथ, यहाँ पे आप एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको इवन कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रेडिशनल पेमेंट और ई पेमेंट में। यहाँ पे ट्रेडिशनल मीडियम है कम्युनिकेट करने का कि आप जाओगे फिजिकली दुकान पे, शॉप पे, वहां पे आप सामान पसंद करोगे, जो आपको पसंद आएगा आप खरीदोगे और उसके बदले आप पैसे दोगे। ई पेमेंट में आप चीजें ऑनलाइन कर रहे हो सारी चीजें, है ना, आप चीजों को पसंद कर रहे हो, पसंद आ रहा है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नाउ द सेकंड पॉइंट इज सर्कुलेशन, ठीक है। ट्रेडिशनल पेमेंट इज रियलाइज्ड थ्रू फिजिकल सर्कुलेशन सच एज अ कैश सर्कुलेशन, बिल ट्रांसफर एंड एक्सचेंज बैंक एंड बैंक एक्सचेंज, है ना। तो जो सर्कुलेशन होता है ट्रेडिशनल पेमेंट का, वो सिंपल जैसे पहले होता था ट्रेडिशनल वे में वैसे होता है। आपको फिजिकली जाकर के कैश किसी को देना होगा ताकि वो कैश जो है मार्केट में फिर सर्कुलेट हो पाए, है ना। फिजिकली यहाँ पे चीजें आपको करनी पड़ रही है, आपको बिल ट्रांसफर करना है, आपको बैंक में एक्सचेंज करवाना है, सारी की सारी चीजें आपको जो है फिजिकली जाकर के करनी पड़ती है। बट ई पेमेंट में जो नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर बैठे आसानी से हो सकता है। ई पेमेंट इंट्रोड्यूसेस डिजिटल सर्कुलेशन टू रियलाइज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, सो ऑल मीन्स ऑफ ई पेमेंट आर डिजिटलाइज्ड, है ना। सो ई पेमेंट एक तरीके से एक तरह का डिजिटल सर्कुलेशन करने के लिए, करेंसी का डिजिटल सर्कुलेशन करने के लिए ई पेमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे पैसों का ट्रांसमिशन बहुत ही आसान था और जितने भी पेमेंट के जितने भी तरीके थे उन सबको एक तरीके से डिजिटलाइज कर दिया गया, डिजिटाइज कर दिया गया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे सारे काम को कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यूजेस ट्रेडिशनल मीडियम टू कम्युनिकेट बिटवीन पार्टीज। जो रिक्वायरमेंट होता है ट्रेडिशनल पेमेंट में, आपको जो है ट्रेडिशनल वे में बात करनी होती है एक दूसरे के साथ, और जो आपको पैसे आपको पेमेंट करने होते हैं वो आप करते हो, है ना। लेकिन ई पेमेंट अब ऐसा नहीं होता, रिक्वायर्ड नेटवर्क एंड अदर रिलेटेड सॉफ्टवेयर टू वर्क। ई पेमेंट जो होता है ऑनलाइन होता है, और जब कोई चीज ऑनलाइन हो रही है तो डेफिनेटली वो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड होकर के हो रही है, है ना। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर सारा काम करना पड़ रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, चीजें ऑनलाइन हो रही है, यहाँ पे फिजिकली जा रहे हो, ट्रेडिशनली जा रहे हो, जाकर के आप फिर कम्युनिकेट कर रहे हो। इंटरवेंशन की अगर हम बात करें
इसको मैंने मार्क नहीं करा था। इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो नीड्स ह्यूमंस इंटरवेंशन टू सेटल दिस प्रोसेस। यहाँ पे देखो ह्यूमन इंटरवेंशन का होना इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद जाओगे नहीं तो पेमेंट आप कर नहीं पाओगे, है ना। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, आप खुद जा रहे हो करने के लिए, राइट। तो इसको हम कहेंगे ह्यूमन इंटरवेंशन टू सेटल द प्रोसेस। जो जो प्रोसेस है पेमेंट का उसको पूरा करने के लिए आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है ट्रेडिशनल पेमेंट पे। वेयर एज ई पेमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे यूजेस एडवांस टेक्नोलॉजी टू हैंडल ऑल द ट्रांजेक्शन प्रोसेसेस दैट रिक्वायर्स मनी एंगेजमेंट सच एज मनी ट्रांसफर, है ना। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ रही, आपको आवश्यकता पड़ रही है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी आपके पास जितना बेहतरीन होगा आप ट्रांजेक्शन को उतनी ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे मनी का एंगेजमेंट होता है ना कि लोगों का, लोगों को यहाँ एंगेज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैसों को ट्रांसफर करने के लिए बस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और आप अपने पैसों को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पेमेंट एंड ई पेमेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।